नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है और एकनाथ शिंदे की बड़ी सियासी जीत हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की उद्धव गुट की पिटीशन को खारिज कर दिया। इसके साथ साथ स्पीकर ने उद्धव ठाकरे गुट को मान्यता देकर उसके विधायकों को अयोग्य करने वाली पिटीशन को भी खारिज कर दिया। इसका मतलब यह है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, उनके साथ आए 15 विधायकों की सदस्यता पर कोई डेंजर नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में दोनों गुटों के विधायकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार के बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना माना था, आज स्पीकर ने भी यही फैसला सुनाया। स्पीकर ने अपने फैसले में तीन बड़ी बातें कही। पहली, एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना का जो गुट है वही असली शिवसेना है। दूसरा, सुनील प्रभु की जगह भरत गोगवले को शिवसेना का चीफ व्हिप बनाने का एकनाथ शिंदे गुट का फैसला सही था, कानून सम्मत था। और तीसरी बात, जिस वक्त पार्टी में टूट हुई उस वक्त एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 56 में से 37 विधायक थे। स्पीकर ने अपने फैसले में कहा, जिस वक्त शिवसेना में टूट हुई उस वक्त उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रमुख नहीं थे, सर्वमान्य नेता नहीं थे और पक्ष प्रमुख के खिलाफ बोलने के मतलब पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं होता। स्पीकर के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने जश्न मनाया और उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं ने स्पीकर के फैसले को बीजेपी की मैच फिक्सिंग बताया। अब सवाल है कि स्पीकर के फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा, उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या होगा, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले में क्या क्या कहा और किस आधार पर यह फैसला सुनाया। स्पीकर राहुल नार्वेकर ने लगभग 1.5 साल की सुनवाई के बाद 1200 पेज का डिटेल्ड फैसला सुनाया। फैसला करीब करीब वैसा ही है जैसा चुनाव आयोग ने दिया था। स्पीकर ने कहा कि 21 जून 2022 को शिवसेना में फूट के बाद एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना बनकर उभरा क्योंकि उसके पास 56 में से 37 विधायकों का सपोर्ट था और यह बात चुनाव आयोग ने भी मानी, इसलिए शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। क्योंकि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे गुट ने सुनील प्रभु को व्हिप बनाया था लेकिन 21 जून 2022 को असली शिवसेना शिंदे गुट था, इसलिए शिंदे गुट की तरफ से भरत गोगावले को पार्टी का व्हिप बनाना भी सही था। जब असली व्हिप भरत गोगावले थे तो फिर विधायकों के व्हिप का पालन न करने का इल्जाम भी गलत होता है। तीसरी बात, स्पीकर ने कही, उद्धव ठाकरे गुट का यह इल्जाम भी गलत साबित हुआ कि पार्टी के विधायक अचानक लापता हो गए, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इस आधार पर भी शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा वो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पेश किए गए संविधान को भी नहीं मान सकते क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह संविधान अवेलेबल नहीं है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि 2018 में शिवसेना के संविधान में बदलाव के आधार पर उद्धव ठाकरे को इस बात का अधिकार मिल गया था कि वो एकनाथ शिंदे को उनके पद से हटा सकते थे। स्पीकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने इस बात का कोई सबूत नहीं दिया कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी और उसमें पार्टी के संविधान में बदलाव को मंजूरी दी गई थी, इसलिए स्पीकर ने शिवसेना के 1999 के 1999 के संविधान को ही असली पार्टी संविधान माना है, उसके आधार पर शिंदे गुट को ही असली शिवसेना करार दिया है। हालांकि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की शिंदे गुट की पिटीशन भी खारिज कर दी। स्पीकर के फैसले का सबसे पहला असर बालासाहेब ठाकरे भवन में दिखाई दिया जो एकनाथ शिंदे के शिवसेना का ऑफिस है। यहां एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स ने नारेबाजी की
मिठाइयां बांटी। जिस वक्त स्पीकर फैसला सुना रहे थे उस वक्त उद्धव ठाकरे मातोश्री में थे, घर पर बैठकर स्पीकर के फैसले का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। इसलिए जब फैसला आया, खिलाफ आया, तो मातोश्री में सन्नाटा पसर गया और एकनाथ शिंदे के सपोर्टर्स जश्न मनाने लगे। जब स्पीकर अपना फैसला सुना रहे थे तो शिंदे गुट के सपोर्टर्स बड़ी तादाद में विधानसभा के बाहर भी जमा हो गए थे। जैसे ही स्पीकर ने उनकी पार्टी के फेवर में फैसला सुनाया तो शिंदे के समर्थक जश्न मनाने लगे। उन्होंने एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में नारे लगाए, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा, आज के फैसले से साफ हो गया कि कोई पार्टी तानाशाही से नहीं चलाई जा सकती। कोई एक नेता मनमाने तरीके से पार्टी के फैसले नहीं ले सकता। दीपक केसरकर ने कहा कि महाराष्ट्र के स्पीकर के डिसीजन से देश की सभी पार्टियां अपने अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मजबूर होंगी। इस लिहाज से एकनाथ शिंदे की ये जीत बहुत बड़ी है। ये जो निर्णय है, इस निर्णय से डेमोक्रेसी और मजबूत हो जाएगी। इस निर्णय का तथ्य ये है कि पार्टी में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए और एक ही व्यक्ति पार्टी के सब अधिकार यूज नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी से कंसल्ट नहीं करती। और इसीलिए एक लैंडमार्क डिसीजन है जिसमें पार्टी कौन सी सही है, ये जो डिसीजन हुआ वो भी जैसे इलेक्शन कमीशन का निर्णय था उसी हिसाब से सब मुद्दों को एनालाइज करके ये निर्णय दिया गया है। हमें एक आज खुशी की बात ये है कि हमारा जो बैटल था वो डेमोक्रेसी के लिए था। अगर डेमोक्रेसी में आप सबका सुनते हैं और कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन भी आगे चल के सब जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसमें भी वो खरा उतरता है। इसलिए निर्णय बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ ही जो पार्टी में स्प्लिट हुई है वो किस दिन हुई उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर काम करती है उनको भी इंटर डेमोक्रेसी उनके पॉलिटिकल पार्टी में भी रखनी चाहिए, इसका क्लियर मैसेज इस निर्णय से हुआ है। दूसरी तरफ स्पीकर का फैसला उद्धव ठाकरे के खिलाफ आने के बाद उनके सपोर्टर्स नाराज हो गए। शिवसेना भवन में ठाकरे समर्थकों ने एकनाथ शिंदे और स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे के सपोर्टर्स ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के पोस्टर्स पर काली पोत दी और स्पीकर के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। इसके बाद उद्धव ठाकरे सामने आए। उद्धव ने कहा, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अपने फैसले से दल बदल कानून को और कमजोर कर दिया है, क्योंकि उनको खुद भी पार्टियां बदलने का काफी अनुभव है। उद्धव ने कहा कि स्पीकर ने अपने फैसले से लोकतंत्र को कमजोर किया है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट और जनता से ही न्याय की उम्मीद है। मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है। पक्षांतर, जो पक्षांतर होता है, पक्ष बदली करने का कानून है, उसको अधिक मजबूत करना चाहिए था। इन्होंने तो खुलेआम राजमार्ग बना दिया, क्योंकि इनको खुद का अनुभव है और शायद वो उनका आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं। आगे भी कुछ और पक्ष में जाना चाहते होंगे शायद। मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई। मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था। तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था, या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है।
और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है। अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा। इसके बाद संजय राउत बोले। संजय राउत तो तीखा बोलते हैं, उन्हें स्पीकर को भाड़े का टट्टू कहा। संजय राउत ने कहा कि स्पीकर ने बीजेपी के इशारे पर फैसला दिया है, स्पीकर ने महाराष्ट्र की पीठ पर खंजर खोपा है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे, हम न्यायालय में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये जो कोई विधानसभा के स्पीकर है जिसको ट्रिब्यूनल का अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनको एक बहुत बड़ा नया इतिहास लिखने का मौका मिला था। संविधान के आधार पर निर्णय देने का और इतिहास निर्माण करने का उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला था, वो मौका गंवाया है। और इस व्यक्ति ने भी महाराष्ट्र के पीठ में खंजीर खुपसा है। पहले स्थापना हो गई थी उस वक्त, आज के जो शिवसेना के मालिक है मिस्टर शिंदे, जैसे नार्वेकर ने कहा विधानसभा स्पीकर, उनकी उम्र क्या थी, क्या उनका जन्म हुआ था? अब वो शिवसेना के मालिक, और बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना इतिहास जमा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा, बहुत बड़ा पुराना सपना रहा था कि एक दिन हम बाला साहब ठाकरे की शिवसेना खत्म कर देंगे, लेकिन शिवसेना ऐसी खत्म नहीं होगी। आपके एक निर्णय से, आपके कागज से, आपके भाड़े के तट्टू के मुंह से, कोई अधिकार और ऑर्डर देने से, शिवसेना जनता में है, शिवसेना महाराष्ट्र के रगो रगो में है। तो आज का जो निर्णय है वो कोई फैसला नहीं है, वो कोई न्याय नहीं है, वो एक षड्यंत्र है। स्पीकर के फैसले पर उद्धव ठाकरे को कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी का भी सपोर्ट मिला। शरद पवार ने कहा उद्धव ठाकरे को अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उन्हें वहीं से इंसाफ मिलेगा। और यही बात महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दोहराई। हालांकि नाना पटोले ने यह भी कहा कि स्पीकर तो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले इस मामले को बार बार टाला, और जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन तय कर दी तो ऐसा फैसला दिया जो संविधान के खिलाफ है। नाना पटोले ने कहा स्पीकर के इस फैसले का नतीजा बीजेपी को पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में, ये आज का दिन काला दिन महाराष्ट्र के लिए संविधानिक व्यवस्था का बना हुआ है। इस निर्णय में निश्चित रूप से पक्षपात हुआ है, और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है ये दिखाकर, और प्रतोद गोगावले है ये दिखाकर माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय को किस तरह से उलटफेर किया है इसका अंदाज सबको आता है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार और गुजरात लॉबी का ही स्क्रिप्ट पढ़ा गया है क्या, ये अब लोगों के मन में ये बात आ रही है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये संविधानिक व्यवस्था को लेकर ये निर्णय नहीं हुआ है। इसी के परिणाम बीजेपी को महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भुगतना पड़ेगा। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को न्याय व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास है, ये प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और इसमें बिल्कुल संविधानिक व्यवस्था को बचाने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट जी करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। ये तो सोचना भी बेकार था कि राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करेंगे, इसमें कोई सस्पेंस था ही नहीं। नार्वेकर स्पीकर तो हैं पर वो बीजेपी के लीडर हैं, वो भी चुनाव लड़कर आए हैं और उन्हें फिर चुनाव लड़ना है। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो इस बात में कोई शक था ही नहीं कि वो शिंदे गुट के 16 एमएलए को योग्य ही ठहराएंगे। देखना बस ये था कि शिंदे और उनके साथ उद्धव का साथ छोड़कर गए लोगों की मेंबरशिप को जस्टिफाई कैसे करते हैं। और मैं कहूंगा कि नार्वेकर ने इसमें जो तर्क दिए हैं वो सॉलिड हैं, कन्विंसिंग हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो हालात हैं उनकी वजह से किसी को इस पर आश्चर्य नहीं हुआ।
असल में शुरुआत तो उद्धव ठाकरे ने की थी, पहली गलती उद्धव ने की थी। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 56 सीटें जीती और इतनी सी सीटों के दम पर 28 साल के लिए चीफ मिनिस्टरशिप की मांग की। ये धोखा था और यहीं से सारा किस्सा शुरू हुआ। दूसरी गलती शिंदे ने की, लेकिन वो एमएलए को लेकर गुवाहाटी चले गए, बीजेपी के सेफ हाउस में छुप गए और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन गए। ये भी धोखा था। लेकिन महाराष्ट्र के लिए धोखे की राजनीति कोई नई नहीं है। शरद पवार एक जमाने में वसंतदादा पाटिल को धोखा देकर चीफ मिनिस्टर बने थे, अब अजीत पवार चाचा शरद पवार को धोखा देकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए फैसला करना मुश्किल है कि कौन धोखेबाज है और कौन वफादार। इस सारे प्रकरण में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ऐसे हैं जिन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया। महाराष्ट्र की जनता ने उनके नाम पर वोट दिया था, उन्हें फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पब्लिक ने सपोर्ट दिया था, दो दो बार मौका भी आया और दोनों बार उनके साथ अन्याय हुआ। अब अकेले फडणवीस ऐसे हैं जो जनता के सामने जाकर कह सकते हैं कि उनके साथ जुल्म हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय तो महाराष्ट्र के लोगों के साथ हुआ है। उन्होंने चुना किसी को और उन्हें मिला कोई और। आज का स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा और फाइनल फैसला जनता के हाथ में होगा। आज की एक और बड़ी खबर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर है। कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भव्य राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पिछले महीने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता दिया था, लेकिन आज कांग्रेस के तीनों नेताओं ने इनविटेशन को ठुकरा दिया। खड़गे, सोनिया और अधीर रंजन 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। जयराम रमेश की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया है, जबकि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भगवान राम में करोड़ों भारतीयों की आस्था है, कांग्रेस लोगों की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक बयान जारी किया गया, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस पर कुछ नहीं बोला। लेकिन पहला रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से ही आया। कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्विटर पर लिखा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है, आज दिल टूट गया। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। स्मृति ईरानी ने कहा जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को ही नकारती रही उसे इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी। स्मृति ईरानी ने कहा आज कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का अपमान पहली बार नहीं किया है, हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश कांग्रेस कई बार कर चुकी है। अनुराग ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम का बॉयकॉट करेगी और इसके बाद देश की जनता
कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी। ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बायकॉट किया है, तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बायकॉट ही करने वाली है। अलग अलग जगहों पर रिपोर्टर्स ने कांग्रेस के नेताओं से इस पर कई बार सवाल पूछे, बार बार सवाल पूछे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। हर मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार से जब इसके बारे में पूछा गया, तो सिर्फ इतना कहकर चुप हो गए कि उन्हें कुछ नहीं कहना, राम मंदिर के मुद्दे पर सिर्फ पार्टी की लीडरशिप बोलेगी। सर, कांग्रेस हाईकमांड हैव सेड दैट इट इज राम मंदिर इज अ बीजेपी इवेंट, सो वी डोंट वांट टू गो। दे हैव डिक्लाइंड द इनविटेशन। वन सेकंड सर, बनी ब्रेक। सर, द कांग्रेस हाईकमांड हैव सेड दैट वी डोंट वांट टू गो। वन क्वेश्चन सर, जस्ट वन क्वेश्चन सर, गड़बड़ रहे ऑन द राम मंदिर इशू। सर, आई डोंट वांट टू कमेंट, हाईकमांड विल आंसर टू ऑल दोस थिंग्स। इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस की हाईकमान ने तो फैसला सुना दिया, 22 जनवरी को अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, लेकिन यूपी की कांग्रेस के नेता परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी से पहले ही वो अयोध्या जाएंगे, मकर संक्रांति पर उनका कार्यक्रम फिक्स है, और रामलला का दर्शन करने के लिए मकर संक्रांति से बेहतर दिन और क्या हो सकता है। हम लोगों का पहले से स्टैंड है कि हम उत्तर प्रदेश के हमारे जो नेतागण हैं, हम लोग मकर संक्रांति के दिन हम लोग सरजू जी में स्नान करेंगे, मकर संक्रांति का रामलला का दर्शन करेंगे और हनुमानगढ़ी का दर्शन करेंगे। ये हमारा पहले से स्टैंड क्लियर है। मैं समझता हूँ कि सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन है हमारा मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति का दिन जो सबसे शुभ दिन होता है, सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हैं 9:13 पर, और 9:15 पर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। जिस तरह से अजय राय ने सनातन धर्म की बात की, शुभ मुहूर्त की बात की, इसी तरह कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर पार्टी के कई और नेताओं ने भी सवाल उठाए। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोडवाडिया ने ट्विटर पर लिखा कि भगवान राम उनके आराध्य हैं, देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय हैं, इसलिए कांग्रेस को ऐसा राजनीतिक फैसला लेने से दूर रहना चाहिए था। और मजे की बात है कि जिस वक्त कांग्रेस ने राम मंदिर के उद्घाटन के बॉयकॉट का ऐलान किया, उसी वक्त कांग्रेस का एक वीडियो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें कमलनाथ छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में राम नाम लिखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ नकुलनाथ ने लिखा, 4,31,00,000 राम नाम लिखकर छिंदवाड़ा इतिहास रचने जा रहा है, इसीलिए कमलनाथ ने भी सिमरिया हनुमान मंदिर पहुंचकर कागज पर राम नाम लिखा। राजस्थान कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस हाईकमान के फैसले का बचाव करने की कोशिश की, कहा बीजेपी होती कौन है रामलला के दर्शन का न्योता देने वाली, क्या कोई बीजेपी के बुलावे पर अयोध्या जाएगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को रामलला के दर्शन करने जब जाना होगा जाएंगे, उसके लिए बीजेपी के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। राम मंदिर और अयोध्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है क्या? हमारे श्री राम जी का मंदिर है, हमारे सबकी आस्थाएं हैं, हम उनके कहने से जाएंगे और उनके कहने से रुकेंगे क्या? देश की हर बच्चे बच्चे की आस्था है, सब धर्म के लोग श्री राम जी को मानते हैं। उन्होंने पेटेंट करा रखा है क्या? इनको निमंत्रण देने का अधिकार किसने दिया? मंदिर में कोई निमंत्रण, भगवान के जाने में कोई निमंत्रण होता है क्या? महीना भर हो गया, सभी जाते हैं, सभी जाएंगे, जाते रहेंगे। राम मंदिर के निमंत्रण को बीजेपी का न्योता बताने वालों को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। योगी ने कहा, दुनिया में जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया है, वहां रहने वाले लोगों में अयोध्या का भव्य राम मंदिर एक नया विश्वास पैदा करेगा, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने का हौसला देगा।
योगी आज बरेली में थे या उन्होंने 3400 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर योगी बरेली की रामायण वाटिका में गए जहां बजरंग बली की एक विशालकाय प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद पब्लिक मीटिंग में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा, जो लोग राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर रहे हैं, भगवान राम उनका भला करें। योगी ने कहा, राम भक्तों में उत्साह है, 22 जनवरी को रामलला के स्वागत की तैयारी है। वो चाहते हैं कि देश भर के लोग 22 जनवरी के बाद एक बार रामलला के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम लोग 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और आपका आह्वान भी करता हूं कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद जिस दिन आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम ऐतिहासिक अवसर है। 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है, इसलिए राजनीतिक कारण बताकर, सियासी नफा नुकसान देखकर इस ऐतिहासिक मौके के, इस पुण्य अवसर के बॉयकॉट का फैसला हैरान करने वाला है। कांग्रेस के नेतृत्व ने किसकी सलाह ली, क्या सोचकर अयोध्या न जाने का फैसला किया, ये समझना मुश्किल है। वैसे तो कांग्रेस के नेता आजकल रोज ये कहते सुनाई देते हैं कि राम मंदिर कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा है। वो याद दिलाते हैं कि भगवान राम की मूर्ति कांग्रेस के राज में रखी गई थी, मंदिर का ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, राम मंदिर का शिलान्यास तो राजीव गांधी के जमाने में हुआ था, और कल ही अशोक गहलोत कह रहे थे कि मंदिर के लिए पत्थर तो उनकी सरकार ने भिजवाए थे। तो फिर सवाल है कि मंदिर के उद्घाटन के मौके पर गैर हाजिरी क्या सिर्फ इसलिए है कि मंदिर मोदी के राज में बनकर तैयार हुआ, क्या सिर्फ इसलिए नाराजगी है कि मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या कांग्रेस की नरेंद्र मोदी से नफरत राम भक्ति से ज्यादा बड़ी हो गई। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो 15 जनवरी को जाएंगे, इसके बाद जब मौका मिलेगा तो फिर सभी बड़े नेता रामलला के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि सनातन धर्म में मुहूर्त का भी एक महत्व होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने जो कहा वो एक बार फिर सुनने लायक है। उन्होंने लिखा, कांग्रेस द्वारा श्रीराम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण आत्मघाती फैसला है, आज दिल टूट गया। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य भी बार बार भगवान राम के भक्तों का दिल तोड़ रहे हैं और अखिलेश यादव के बारे में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। वो श्री राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, राम मंदिर के बारे में, राम भक्तों के बारे में उल्टे सीधे बयान देकर हर रोज समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम भक्तों के पुराने घावों को कुरेदा। 30 साल पहले राम भक्तों पर चली गोलियों की याद दिलाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, संविधान की रक्षा की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो फैसला किया था, कार सेवकों पर फायरिंग का जो आदेश दिया था, वो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा के लिए था और बिल्कुल सही था। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के
बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात एसपी सिंह बघेल भी उस समय समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको तो नहीं बोलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें हैरान करने वाली हैं, समझना मुश्किल है वो किसके दोस्त है किसके दुश्मन है। राम मंदिर के उद्घाटन में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 12 दिन का वक्त बाकी है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, भगवान राम के प्रति आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं, राम भक्तों में नाराजगी पैदा होती है। जब सरयू का पानी रंग बिरंगी रोशनी से सरोबार है, उस वक्त स्वामी प्रसाद ने वो वक्त याद दिला दिया जब सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल हो गया था। इसलिए आज स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा उन्हें स्वामी प्रसाद के बयान पर हैरानी नहीं है, हैरानी इस बात पर है कि इस तरह की बयानबाजी बार बार करने के बाद भी अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे, उन्हें रोक नहीं रहे। जयवीर सिंह ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जितना बोलेंगे अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य उतना ही गर्त में चला जाएगा। देखिए मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी, और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। देखिए आपको ध्यान होगा कि समाजवादी पार्टी में जब से उन्होंने सनातन के खिलाफ बयानबाजी शुरू की है उसके बाद ही तो उन्हें अखिलेश जी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किया। एक तरफ वो प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, सनातनियों के प्रति बयानबाजी करें, और दूसरी तरफ खुद को अपने को कहते हैं कि इससे उनका अपना निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं। दोनों कंट्राडक्टरी चीजें चलने वाली नहीं है और पूरा देश और दुनिया देख रही है कि किस तरह के ये उपक्रम कराए जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से साधु संतों में भी नाराजगी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का विनाश करीब है इसलिए उनकी बुद्धि खराब हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा न लें क्योंकि सहनशीलता की भी हद होती है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं, इनको लगता है कि हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए, नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है कि समाजवादी पार्टी भी कई नेता ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद की जुबान पर लगाम लगाने या फिर उन्हें पार्टी से बाहर करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के MLA राकेश सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद के बयानों को सिर्फ उनके निजी बयान बताकर बात खत्म नहीं हो सकती, अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देखिए जो आज की स्थिति है उसमें पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और
सब उसका सम्मान कर रहे हैं, सबकी उसमें सहभागिता है, और इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेता हैं जो भगवान राम को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचाए, और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी मांग करता हूँ कि उनको नोटिस दिया जाए, और अगर वो नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दिया जाए। ऐसी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम के बारे में क्या कहते हैं, रामचरितमानस के बारे में किस तरह के बयान देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह चुके हैं वो हिंदू नहीं हैं, सनातन को नहीं मानते, लेकिन अखिलेश यादव तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, खुद को राम भक्त बताते हैं, सनातनी हिंदू होने का दावा करते हैं, इसलिए अखिलेश यादव को या तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा या फिर उनके बयानों का राजनीतिक नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद तो रुकने वाले हैं नहीं। वो जहरीली जुबान का इस्तेमाल जानबूझकर सोच समझकर कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, इसलिए फैसला अखिलेश को करना है। अब जरा पंजाब की राजनीति की बात करते हैं, जहां से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर घमासान छिड़ गया है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव सीटों के बंटवारे पर बात करने के लिए चंडीगढ़ गए थे, लेकिन उनका सारा टाइम नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का झगड़ा सुलझाने में निकल गया। असल में आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग थी। इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को भी बुलाया गया था, लेकिन सिद्धू मीटिंग में जाने के बजाय होशियारपुर में रैली करने चले गए। इससे पहले भी सिद्धू पार्टी से बगैर पूछे बठिंडा में रैली कर चुके हैं, लेकिन होशियारपुर की रैली में सिद्धू ने अपनी पार्टी के नेता राजा वडिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कहा अगर राजा वडिंग में हिम्मत है तो वो 10,000 लोगों की रैली करके दिखाए। कांग्रेस के नेताओं ने आज पंजाब के इंचार्ज देवेंद्र यादव के सामने सिद्धू की शिकायत की, और इसके बाद राजा वडिंग ने कहा पार्टी की इजाजत के बिना रैलियां करना अनुशासनहीनता है, लेकिन फिर भी वो सिद्धू की हरकतों को अनदेखा कर रहे हैं। राजा वडिंग ने कहा कि उनका कद भले छोटा है लेकिन दिल बड़ा है। कुछ लोगों का कद तो बढ़ जाता है लेकिन उनका दिल छोटा होता है, ऐसे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से हर वक्त डरे डरे रहते हैं। हाईकमांड के अगे वो सारा जिहड़ा मसला हैगा इट्स पेंडिंग एंड नो अब इंचार्ज प्रभारी और हाईकमांड ने डिसाइड करना है कि इनडिसिप्लिन कहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई करेगा, कौन कर रहा है, राजा वडिंग कर रहा है, सिद्धू कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो नेचुरली उसके ऊपर हाईकमांड को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी होगी। पूरे देश में ये सिलसिला कहीं नहीं होता, जो अध्यक्ष होता है उसके हिसाब से ही प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन राजा वडिंग है उसका दिल बहुत बड़ा है। व्यक्ति छोटा हो सकता हूं, व्यक्ति छोटा हो सकता हूं लेकिन दिल बड़ा बड़ा है। मैं कहने कि कांग्रेस पार्टी नू वैसे तो यह गलत गल है, ये नहीं होना चाहिए, पर मैं कहने कि मैनू किसे तो इनसिक्योरिटी नहीं है। कई लोग कद वड्डा है उन्होंने दिल बड़े छोटे है, छोटे है, उन्होंने घबराहट हो जाती है जल्दी, लेकिन मैं फिर भी कहना कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती दे कोई काम करे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दे विरुद्ध काम करने वाले नू लेके कोई मंच ते चढ़ा के ते कांग्रेस पार्टी दे लीडर दे खिलाफ गालां कढ़ाए उरे ते बिल्कुल एतराज है, और अगर ऐसा होएगा तो 100% आने वाले समय ते कार्रवाई होगी। सिंधु बागी तेवर दिखा रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान को सब पता है लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, इसलिए सिद्धू के सपोर्ट में भी लोग खुलकर आ गए हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा सिद्धू की रैलियां कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, रैली करना अनुशासनहीनता नहीं हो सकता। गुरकीरत सिंह ने कहा अगर सिद्धू ने रैली में कुछ ऐसा बोला हो जो कांग्रेस के खिलाफ है तो वो खुद उन पर एक्शन की मांग करते। अगर तो कोई पार्टी के हित में काम कर रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, अगर पार्टी का इनडिसिप्लिन क्रिएट करता है कोई भी,
अगर पार्टी की लाइन से बाहर जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी जरूरी है कोई भी हो। हाले तक उन्होंने कोई इस तरह पार्टी के खिलाफ कोई लाइन अख्तियार नहीं की। अगर वो करेंगे तो असं सब तो पहले होवे कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की मांग करा। इसमें कोई शक नहीं कि नवजोत सिद्धू एक डायनेमिक लीडर हैं, जबरदस्त ओरेटर हैं, समा बांधना जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं जानते कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके सपोर्ट में बोलना है। सिद्धू की दिक्कत है कि वो जिसकी टीम में रहते हैं उसी के खिलाफ बाउंसर फेंकने लगते हैं, अपनी ही टीम के प्लेयर्स की विकेट उड़ाने की फिराक में लग जाते हैं, इसलिए उनकी कहीं नहीं बनी, किसी से नहीं पटी। बीजेपी में रहे, बीजेपी ने नेता बनाया, सांसद बनाया, लोकसभा भेजा, राज्यसभा भेजा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ गुगली फेंकने लगे। कांग्रेस में गए, कांग्रेस से पूरा मान सम्मान दिया, उन्हें मंत्री बनाया, उनकी वाइफ को भी मंत्री बनाया, लेकिन अमरिंदर सिंह से नहीं पटी। अब अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़ गए तो राजा वड्डिंग के खिलाफ सिद्धू मैदान में खड़े हो गए। असल में नवजोत सिंह सिद्धू खुले आसमान में उड़ते पंछी हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। उनके विरोधी कहते हैं वो मिसगाइडेड मिसाइल हैं। कांग्रेस ने उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी में बड़े जश्न के साथ शामिल किया था। उन्हें प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है, लेकिन वही सिद्धू कांग्रेस के लोकल लीडर्स के लिए लगातार मुसीबत बने हुए हैं। आज देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि हमारा मुल्क जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, भारत जल्दी ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। यह समिट 12 जनवरी तक चलेगा। समिट में 34 देशों के प्रतिनिधि और देश की बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर पेट फियाला, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जैसिंटो न्यूसी भी इनॉग्रेशन सेरेमनी में मौजूद थे। वाइब्रेंट गुजरात में इस साल का थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की बात की। मोदी ने कहा अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा अब उनके सामने नया लक्ष्य है, भारत को विकसित देश बनाना। आज तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था, आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है हो जाएगा। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में मिडिल क्लास की एवरेज इनकम लगातार बढ़ रही है।
भारत में फीमेल वर्कफोर्स के पार्टिसिपेशन में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। भारत के भविष्य के लिए ये बहुत अच्छी संकेत है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी ने जो कहा वो सुनने लायक है। मुकेश अंबानी ने अपने पिता धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए कहा कि गुजरात उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्मभूमि है। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजराती कंपनी है और उन्हें इस बात का गर्व है। मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस ग्रुप ने पिछले 10 साल में देश में 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और इसमें से 4 लाख करोड़ का निवेश अकेले गुजरात में हुआ। मुकेश अंबानी ने कहा कि देश तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय, कर्मठ और ईमानदार नेता के हाथ में है। मुकेश अंबानी ने मोदी को भारत का सबसे कामयाब, सबसे सफल प्रधानमंत्री कहा। उन्होंने कहा दुनिया को जो नया भारत और नया गुजरात दिख रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी। और अब तो दुनिया भी मानने लगी है मोदी है तो सब मुमकिन है। I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. When you speak, the whole world not only listens, but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of the slogan? Millions of Indians are chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. I will never forget what my father, Dhirubhai Ambani, used to tell me in my childhood. Gujarat is your Matrubhumi and Gujarat should always remain your Karmbhumi. Today, let me declare yet again, Reliance was, is and will always remain a Gujarati company. Vibrant Gujarat Global Summit mein Gautam Adani ki presence ki bhi bahut charcha hui. Aaj is summit mein Gautam Adani ne elan kiya ki wo Gujarat mein अगले 5 साल के दौरान 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अडानी ने कहा उनकी कंपनी कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा 30,000 मेगावाट क्षमता वाला ग्रीन पार्क बना रही है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा। समिट में अडानी ने कहा नरेंद्र मोदी भारत के भविष्य के बारे में सिर्फ सोचते नहीं, सिर्फ सपने नहीं देखते, सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। इसलिए उन्हें कोई शक नहीं है कि मोदी की लीडरशिप में भारत को विकसित देश बनाने का सपना जरूर पूरा होगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वाइब्रेंट गुजरात इज अ स्टनिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन। इट हैज ऑल योर होलमार्क सिग्नेचर्स, मर्जिंग ग्रैंड एम्बिशन, मैसिव स्केल, meticulous governance and a flawless executions. Since 2014, India's GDP has grown by 185% and per capita income by a stunning 165%. This achievement is unparalleled, especially considering this decade's geopolitical conflicts and a pandemic challenges. Your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platforms to a nation
That now creates the global platform. You don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation and position her as the global social champion, driven by the two philosophies of Vasudev Kutumbakam and a Vishwaguru. And the best is yet to come. आज मैंने आपको अंबानी और अडानी की जो बात सुनाई वो बिल्कुल सही है। मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, रफ्तार देने के लिए, उद्योगों को अवसर देने के लिए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने में जबरदस्त भूमिका अदा की है। मोदी का विजन क्या है, मोदी की दुनिया में छवि क्या है, इसे अंबानी और अडानी से बेहतर कौन समझा सकता है। उम्मीद करनी चाहिए कि गुजरात का वाइब्रेंट समिट देश में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा, भारत की इकोनॉमी को नंबर 3 तक पहुंचाने में मदद करेगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। अब मैं आपको कश्मीर से आई एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता हूं। आज अनंतनाग जिले के मारतंड सूर्य मंदिर में पहली बार सूर्य नमस्कार का अद्भुत कार्यक्रम हुआ। केंद्र के आयुष मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। इसमें समाज के अन्य तबकों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों ने भी सूर्य नमस्कार किया। अनंतनाग का मारतंड सूर्य मंदिर प्राचीन है। ये मंदिर कश्मीर के राजा ललितादित्य ने 8वीं सदी में बनवाया था। पिछले हफ्ते मारतंड सूर्य मंदिर में अयोध्या से लाए गए कलश को स्थापित किया गया था।